गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दिनांक 18 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा दशम हमारा व्याकरण की गई हमारी चल रही थी संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में आपने अब तक ये जो है वो संधि शब्द की उत्पत्ति जैसे सम उपसर्ग पूर्वक दुधांश धातु और उपसर्ग ध्यों की सूत्र द्वारा जो है वो आपका संधि शब्द निष्पन्न होता है। फिर आपने परिभाषा में पढ़ा वर्ण संधानम संधि अर्थात के वर्णों के संधान या मेल को संधि कहा जाता है। फिर पाणिनी की परिभाषा में आपने पढ़ा, पाणिनी की परिभाषा में जो है वो आपने पढ़ा कि पर समीकर्ष संहिता अर्थात की अत्यधिक वर्णों की निकटता के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम संहिता कहते हैं अर्थात की संधि कहते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप एक पढ़ेंगे संधि प्रकरण के अंदर संयोग क्या होता है। संयोग का अर्थ पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। संयोग, संयोग का अर्थ होता है वर्णों के आपस में मिलने से यदि विकार न हो तो वह संयोग कहलाता है। अर्थात कि वर्ण आपस में मिल रहे हैं लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो संयोग कहलाता है। इसमें वर्ण आपस में ज्यों की त्यों मिल जाते हैं, जैसे महत धन पम। यहां पर किसी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी और सीधा जो है वो हम इस तरह से जो है ये शब्द मिल जाएगा। तो यहां पर वर्णों के मिलने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यहां पर जो है वो संयोग कहलाता है। तो अब हम आगे जो है वो पढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखिए संधि के भेद। अब संधि के भेद की बात करें तो संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक अच, जिसे आप कहते हैं स्वर संधि। नंबर दो हल, जिसे आप कहते हैं व्यंजन संधि। और नंबर तीन होती है आपके विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से संधि की जो है वो हिंदी की जी तरह संस्कृत में भी संधि के तीन भेद होते हैं। अच संधि जिसे संस्कृत में कहा जाता है और हिंदी में स्वर संधि कहा जाता है। नंबर दो हल संधि जिसे संस्कृत मल संधि कहते हैं और हिंदी में व्यंजन संधि कहते हैं। और नंबर तीन है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि भी कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि क्या होती है या संधि प्रकरण। देखिए अच संधि, अब हम अच संधि पढ़ते हैं। अच संधि का अर्थ होता है स्वर संधि अर्थात जब स्वर के साथ स्वर का मेल
होने पर, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है अर्ज संधि कहलाती है। देख रहे हैं आप अर्ज संधि अर्थात कि स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ यही होता है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उन दोनों के मिलने पर जो परिवर्तन होगा वो आपकी अर्ज संधि अर्थात की स्वर संधि कहलाएगी। जैसे सूर्य धन उदय, यह प्रथम पद है, द्वितीय पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां पर अ है और इधर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उ है, दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर है, दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे पास में शब्द रहता है सूर्योदय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब स्वर का मेल स्वर के साथ होता है और जो परिवर्तन होता है वह आपके जो है वो अक्षंति कहलाता है। अब हम जो है अक्षंति के भेद पढ़ते हैं। यहां पर संधि के भेद, अब हम अक्षंधि के भेद पढ़ने जा रहे हैं। अक्षंधि के भेद में आप देखेंगे यहां पर दीर्घ संधि नंबर एक, दीर्घ संधि गुण संधि यण संधि वृद्धि संधि नंबर पांच, अयाग संधि नंबर छह, पूर्ण रूप संधि नंबर सात, परलोक परलोक संधि और नंबर आठ आगे आपके प्रकृति भाव संधि। तो इस तरह से जो आपको डायग्राम बनाना है, यहां पर आप देख रहे हैं असंधि के भेद। असंधि के भेद में जो है
नंबर एक दीर्घ संधि, नंबर दो गुण संधि, नंबर तीन यण संधि, नंबर चार वृद्धि संधि, नंबर पांच अयाचि संधि, नंबर छह पूर्व रूप संधि, नंबर सात पर रूप संधि और नंबर आठ है प्रकृति भाव संधि। इनमें से आप लोग जो है वो इन पांच भेदों से दीर्घ गुण यण वृद्धि और अयाचि से परिचित हैं, इन पांच से आप परिचित हैं। ये दिन शायद आपको नए लग रहे होंगे, तो जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाते हैं वैसे वैसे सिलेबस में पाठ्यक्रम में और कई चीजें जो है वो जुड़ती जाती है, तो आपकी ये तीन चीज जो है प्रकृति भाव रूप और पूर्व रूप ये तीन चीजें जो है वो आपकी थोड़ी नई है। तो दीर्घ संधि आप पढ़ते आए हैं, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाचि संधि ये आप लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अब जो है वो अर्थ संधि के आठ भेदों के विषय में जो है वो जानकारी अर्जित करेंगे। तो अब आप देखिए इसमें सबसे पहले हम दीर्घ संधि के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर एक दीर्घ संधि, दीर्घ संधि कहती है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ अर्थात कि एक समान वर्ण होने पर वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप एक चीज ध्यान रखें, परीक्षा के अनुसार यदि हम बात करें तो कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में कभी भी दीर्घ संधि या संधि की परिभाषा नहीं पूछी गई है, सीधे ही जो है वो संधि विच्छेद या संधि युक्त पद दिए जाते हैं और उनको यदि संधि विच्छेद दे रखे हैं तो संधि युक्त पद बनाना होता है और संधि युक्त होता है तो संधि विच्छेद करके उसका जो है संधि का नाम लिखना होता है। तो दीर्घ संधि कहती है अकह सवर्णे दीर्घ, एक समान वर्ण होने पर दीर्घ आदेश हो जाता है। इसके कुछ सूत्र हैं, नियम नंबर एक कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो या आ हो और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण चाहे अ हो और चाहे आ हो तो वहां पर जो है आ हो जाता है। उसी तरह से नंबर दो सूत्र कहता है लघु ई हो या दीर्घ ई हो और उसके बाद यदि लघु या दीर्घ ई होती है तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगी। उसी तरह से उ हो या ऊ हो लघु या गुरु तो दोनों के स्थान पर गुरु हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें सूत्र नंबर चार की री या री के पश्चात यदि री या री होता है तो वहां पर दीर्घ री आदेश हो जाता है। प्रश्न में आपने देखा होगा री मिला होता है उस तरह से। तो अब हम बात करते हैं इनमें से सबसे पहले सूत्र नंबर एक की कि अ या आ होने पर अ या आ प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ या आ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। आदेश का अर्थ होता है प्रकट होना या आना किसी के स्थान पर। तो जैसे देखिए प्रधन आचार्य देख रहे हैं आप यहां पर दो पद है हमारे पास, एक पद है प्र और एक पद है आचार्य। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर प्र का अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां पर अ है और यहां पर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है। नियम कहता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए
हमारे पास में अ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ या आ होना चाहिए, हमारे पास में आ है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में वहां पर आ आदेश हो जाएगा। आदेश का अर्थ होता है किसी के स्थान पर प्रकट होना। अब हमारे पास वर्ण बचते हैं, प्रथम पद का वर्ण प्र हलन आ और चार। हिंदी और संस्कृत का नियम कहता है कि हलंत वर्ण के बाद यदि कोई स्वर होता है तो वह स्वर अपने से आगे वाले स्वर रहित व्यंजन अर्थात की हलंत व्यंजन में मिल जाता है। तो आ जो था वो प्र में मिलेगा, तो प्र को हलंत नहीं करेंगे, आ इसके साथ मिल गया और बन गया प्राचार्य। इस तरह से जो ये संधि शब्द निष्पन्न संधि निष्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं परीक्षा के अनुसार कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में आपको केवल प्रधान आचार्य दिया होगा, तो आपको लिखना है पांच प्राचार्य और आगे आपको जो है वो संधि का नाम लिख देना है दीर्घ संधि और ब्रैकेट में लिखना है अच संधि। उसी तरह से यदि संधि युक्त पद दिया जाता है प्राचार्य, तो आपको प्रधान आचार्य लिखना है और आगे जो है वो संधि का नाम लिखना है। तो ये जो आपके स्टेप है ये केवल आपको समझाने के लिए लिखवाए गए हैं, इन्हें आपको परीक्षा में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। केवल प्रथम प्रथम और अंतिम, बस इन दो पदों को ही पूछा जाता है। तो अब हम जो है इसके कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे देवधन अर्जुनम परम धन अर्थ न धन अस्ति गोर्धन अंग देति धन अरे। सस्तन अंक उसी तरह से विद्याधन आलय रत्नधन आकर यथा धन अर्थ विद्या धन अभ्यास और एक है आपके विद्या धन अर्थ। तो अब हम इनको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे क्या शब्द निष्पन्न होते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए, यहाँ पर आ है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ होना या आ होना चाहिए, तो दोनों मिलकर आ में बदल जाएंगे, तो यह शब्द बनेगा विद्याभास विद्याभ्यास। उसी प्रकार से यथा रत्नाकर रत्नाकर देवर्षन का हो गया देवाचनम परम धन अर्थ परमार्थ न धन अस्ति नास्ति
गोधन अंग गोराम देती धनरी देत्यारी सस धन अंग ससांग विद्याधन आलय विद्यालय विद्याधन अर्थी शब्द बना विद्यार्थी। तो इस तरह से जो है वो आपके दीर्घ संधि का प्रथम सूत्र जो है वो पूर्ण होता है। इसमें हमने पढ़ा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अ या आ होता है तो उनके स्थान पर आ आदेश हो जाता है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा प्रधन आचार्य तो शब्द बना प्राचार्य, उसी प्रकार से विद्याधन अभ्यास विद्याभ्यास, यथाधन अर्थ यथार्थ, रत्नधन आकर रत्नाकर, देवधन अर्चनम देवार्चनम, परम धन अर्थ परमार्थ, न धन अस्ति नास्ति, गोधन अंग गोरांग, देतिधन अरि देत्यारी, सस्तन अंक सशांक सशांका होता है खरगोश, विद्या धन आलय विद्यालय, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। इस प्रकार से जो है कि आपका प्रथम सूत्र जो है उसका उदाहरण इत्यादि जो है वो पूर्ण होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय नियम। दूसरा नियम कहता है ई या दीर्घ ई के बाद यदि ई या दीर्घ ई होती है तो वह दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से जो है आपका ये सूत्र है, ये सूत्र इस तरह से कहता है कि जैसे श्रीधन ईशा, यह प्रथम पद है द्वितीय पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहां पर दीर्घ ई है और ये भी दीर्घ ई है। तो नियम कहता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या दीर्घ ई हो हमारे पास दीर्घ ई है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई या दीर्घ ई हो हमारे पास दीर्घ ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमारे पास में जो है वो शब्द बढ़ रहे हैं, श्रधन ईशा, और जब हम इसको मिलाया तो संयोग करने पर बन गया श्रीशा। इस तरह से जो ये निष्पन्न होता है। तो इसके आगे जो है हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आज का होम असाइनमेंट है कक्षा कक्ष में करवाया गया कार्य करें। जितना मैंने आपको आज की कक्षा में करवाया है वो समस्त कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है आज की दिनांक लगाकर।